वाहिगुरु साहिब जीओ बेशुमार यथाहाय गंत यतोलह ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। धन गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सत्संगत जीओ विवाह दे इस विशेष प्रोग्राम दे विच आप हाजरीन हो वडभागता है। जो कुछ असी इत्थे सरवण कीता है वेख्या विटनस कीता है उस सारे ते बाबत बहुत थोड़े जे समय च गल करदे होया खाकसार खिमा दा याचक होएगा। जितने जी हाजिर हो जे मेरी आवाज़ तुसी सुन सकते हो तो एक बार सब प्रेम फतेह जरूर बुलाउणी कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी अपनी हैरीटेज नू देखते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट सिख हैरीटेज। वी हैव स्पैशल नेम फॉर ईच ओकेजन। सारे जिन्हें साढ़े कार्यशीलता ने जीवन के नाल रिलेटड उन्हां वास्ते स्पैशल नाम दिते गए हैं। इस ओकेजन आनंद कारज आ आनंद कारज जे तुसीं ट्रांसलेशन बड़े डीप लैवल से देखो तो मतलब यह बनता है इहो जिहा जीवन का रंग जिहदे विच जा के असी समुची जीवन की संतुष्टि कंप्लीट सैटिस्फैक्शन वी कैन अटेन वन वी फॉलो द पाथ ऑफ आनंद कारज। ये मौलिक रूप में बात है। इस बाबत जो सानू गुरु साहब ने मैसेज दिता वो पाठ दे विच दिता आ जिहड़ा असी तुसीं सारा सरवण किया है। हालांकि उसकी बड़ी डिटेल गल हो सकती पर मैं स्टैप बाय स्टैप जस्ट एक टूक मात्र उदा जिहड़ा है मैसेज डिस्कस करदा हाँ। जो बच्चा बच्ची दोनों गुरु के हजूर आके बैठे से मत्था टेक के रागी वीर ने स्पैसीफिक शब्द गाया सीगा जो कि आनंद कारज के पैकेज के नाल रिलेटड आ। वो शब्द हैगा कीता लोड़ी है कम सोहर पै आखी है कारज दे स्वार सतगुर सतसाखी है। भावें कि शब्द रागी गा रहे थे बट द मेन आइडिया ऑफ द शब्द रिफ्लैक्ट्स इमोशंस बोथ ऑफ एक्चुअली ब्राइड एंड ग्रूम एंड देयर फैमिलीज। जो उन्होंने परिवारों के अंदर भाव चल रहे थे उसनों वो रिफ्लैक्ट किया गया है। बाबा जी ये बयान कर दे कि जे तुसी अपनी खास करके ब्राइड एंड ग्रूम इफ यू वांट टू सी योर फरदर एंड फ्यूचर मैरिड लाइफ एक्चुअली उस ट्रैक के उत्ते जिथे तुसी सपना लिया है वट एवर यू हैव ड्रीम टू वर्ड योर जिहड़ी तुहाडी विवाहुता जीवन आ जिस उत्ते अपने आप नू देखना चाहते हो तो हुण ये समा आ अरदास करो प्रेयर करो वाहिगुरु अकाल पुरख जी अगे। सपोज तुसी सारी संगत ते बच्चा बच्ची दोनों रल के वाहिगुरु के चरणों अरदास करते हैं कि वाहिगुरु इन्हां दोनों इंडिविजुअल्स नू एक चंगेरा खुशहाल विवाहुता जीवन बख्शिश करी कि वाहिगुरु जी साडी गल सुनणगे। तुसी देखो बिल्कुल अगली लाइन दे इसे शब्द की गुरु साहब जिक्र करते कारज दे स्वार सतगुर सच साखी है वाहिगुरु विल डेफिनेटली अकॉम्पलिश वाहिगुरु जी तुहाडा जिहड़ा सुपना है इहनू संपूर्ण करनगे। सो इस पॉजिटिव नोट के नाल ये सारा जिहड़ा ओकेजन शुरू हुंदा है। उस तो एकदम बाद फिर तुसी भी देखते हो छोटी अरदास हुंदी है बच्चा बच्ची ते इन्हां दे माँ बाप उस अरदास पार्टीसपेट करते हैं। इहदा मायना भी यह है कि दोनों फैमिलीज रल के संगत कोलों ते गुरु साहब कोलों इजाजत मंगते हैं सानू विवाह की मर्यादा शुरू करन दी इजाजत दे दिओ। उस तो जिहड़ा तीसरा स्टैप आउंदा उहदे च हुंदा कि बच्ची के पिता द्वारा बच्चे ते बच्ची नू पल्ला पकड़ाया जाता है। अक्सर असीं बच्ची नू पल्ला कहिंदे पर दोनों नू पल्ला इस तरीके नाल पकड़ाया जाता है। इहदा मायना तो बड़ा डीप है। शब्द भी पढ़िया गया हब्बे साग कुड़ावे डिटे तो पल्ले तेंडे लागी पर उस शब्द दे च जो मैसेज आ उहदे डिस्कस ना करदे सिर्फ मैं सिग्निफिकेशन बयान करा कि दोनों ने ओपोजिट एंड होल्ड किए ने उस पल्ले दे मीन बोथ यूर इक्वली रिसपोंसीबल फॉर दिस रिलेशनशिप। कोई ज़्यादा नहीं कोई घट नहीं। फिर उस तो एकदम बाद लावां दा जाप हुंदा आ चार सर्कल गुरु ग्रंथ साहब दी सराउंडिंग दोनों लेंदे ने तो उस पाठ दे विच फिर अहद लिया जाता है। हालांकि मैं डेफिनेटली अपने इस बच्चे नू बच्ची नू रिक्वेस्ट करांगा कि आउंदे दिनां दे विच जो तुहाडे कोल टाइम होए ट्राई टू रीड दिस पार्ट बाय योर सैल्फ। ये हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी ताकि तुहानू अहसास हो सके कि गुरु साहब के किहड़े शब्दां दे नाल तुसी अहद लिया। अहद मीन ओथ लई हैगी। हुण जिहड़े शब्द ने जस्ट एक टूक मात्र दो तो लाइनां मैं बयान करके समाप्ति कर देना। पहला सीगा
हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद तरम दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो तरम दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमृत नाम दृढ़ाया। ये तुसी पाठ नूं ध्यान नाल देखोगे पाप तजाण की गल ते धर्म दृढ़ करन की गल हो रही है। सो बच्चे बच्ची लिए है कि यह ध्यान रखना जो एक जो रिश्ते च निभा जी डिसलॉयलिटी है ये पाप है विवाहता जीवन दे विच टू बी लॉयल टू वर्ड ईच अदर दैट इज स्पिरिचुअल ड्यूटी इन्हूं तुसी फुलफिल करना है। इस तो नैक्सट लाम के पाठ के जिक्र आया हर दूजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जो निरपो पैमन होए हौमै मैल गवाया। ईगो इगोटिस्ट बिहेवियर ये तो परहेजगारियत करनी है ये वड्डे लैवल से इशू बनता व्याहता जीवन के। तीसरे लाम का पाठ फिर तीजड़ी लामन चाओ पया बैराग आ बलराम जियो संत जना हर बेल हर पाया वड भागी आ बलराम जियो। कुछ बैराग दे रंग जाना है भाव अपने आप तो उपर उठ के जिहड़ी एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप है उहदी कदर करनी है। फोर्थ लाम का पाठ सिर चौथड़ी लामन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मनतन मीठा लाया बलराम जियो। भाव तुसा दोनों ने एक दूजे के सुभा नूं समझ के इस रिश्ते की निर्वाहता करनी हैगी है। सो ये मैसेज गुरु बाबा जी सलामां दे पाठ देंदे। आई नो थोड़ा जिहड़ा मेरे ख्याल सी साडा ट्रिप कर गया ते करके थोड़ा तुसी गर्मी महसूस कर रहे हो दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग एवरीथिंग इन वेरी एचली नट शैल। सो हेयर जस्ट इतना ही है कि दोनों परिवारों ने मेरे वालों दिली मुबारकबाद बहुत सारी इन्हों दोनों का रिश्ता खुशनुमा खुशहाल जिहड़ा है उन्हां एहसासां दे विच ये अगे वधन ते अपने जीवन नूं मानन इन्हीं एक बेनतियां नाल खिमा एक प्रोग्राम छोटा एक ढाडी विरन लाउणा उस तो बाद पूरी समाप्ति होएगी। मैनूं इजाजत देनी कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा।